अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल फूड सीक्रेट्स विदाशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। आज हम आपको बताएंगे कि ये थिक और करीमी कैसे बनता है। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और साफ़ करके अलग बर्तन में थोड़ी देर के लिए मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था ताकि वो ठंडी हो जाए। क्योंकि अभी चूँकि सर्दी इस तरह से मौसम ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बर्फ़ वाला शेक पिएं। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने आधा घंटा फ्रीज़र में रख दिया था और उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखी है। ये देखिए, मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी के ऊपर तक दूध आया उतना ही रखा है और उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी थोड़ी और शामिल कर दी। और चीनी आप अपने जितना मीठा चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी डाली क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉबेरी छोटी छोटी सी होती है तो वो एकदम से गले में आती है, तो थोड़ी शुगर ऐड करनी है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से शेक कर लें। आप जितना ज़्यादा शेक करेंगे उतना ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो मैंने इसको काफ़ी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक शेक किया था और ये देखें कितना थिक है और पतला नहीं है। दूध की क्वांटिटी को ज़्यादा थोड़ा कम रखें। स्ट्रॉबेरी कोई भी शेक बनाते हैं उसको थिक बनाने के लिए, जैसे कि आप बाज़ार में पीते हैं थिक बनाने के, देखिए मैं इतना थिक है कि मैंने इसके ऊपर जब क्यूब्स डाले हैं तो वो नीचे नहीं डिप हुए। तो ज़्यादा थिक बनाने के लिए दूध की क्वांटिटी हमेशा कम रखें। जब दूध ज़्यादा आप डाल देते हो तो आपका शेक पतला हो जाता है। तो ये हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें।